मुंबई में जो कॉन्वर्सेशन पीएमसी का अकाउंट पोर्टल के बाद मैसेज मैंने दे दिया। बीएसएनएल एमटीएनएल का विषय में बहुत सारे चर्चा हुआ। द चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लेड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना कंबाइन इन द लास्ट 5 years has touched every segment of the society in Maharashtra. मुंबई में जो कॉन्वर्सेशन पीएमसी का अकाउंट होटल के बाद मैसेज मैंने दे दिया, उसका जवाब भी आया है। और जैसे मैंने कहा, ये सब प्रोसेस के तहत होने वाले हैं। जल्दी देने के लिए मेरा रिक्वेस्ट रिजर्व बैंक गवर्नर के पास मैंने दे चुकी। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के मामले तो पिछले बार भी, मतलब मोदी जी का पिछले टेन्योर में भी चर्चा हुआ, एक बार ओपन भी हुआ प्राइवेटाइजेशन। एयर इंडिया के विषय तो अलग है। बीएसएनएल एमटीएनएल का विषय में बहुत सारे चर्चा हुआ। सो एयर इंडिया और बीएसएनएल को मैं एक ही दर्जे पर रख नहीं सकता। एयर इंडिया तो और आगे चले गए प्राइवेटाइजेशन का विषय, इसलिए अभी तो उनके हालात के ऊपर मैं बात करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विषय सबको मालूम है, खुलेआम डेटा अवेलेबल है, किस कारण कहाँ कौन इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का हालात ऐसे आ गया है, इसके ऊपर चर्चा करने का इतना विषय नहीं है क्योंकि सबको मालूम है इस विषय। The Chief Minister Devendra Fadnavis led government of Maharashtra's BJP Shiv Sena combined in the last 5 years has touched every segment of the society in Maharashtra, addressed concerns of each of these segments which have been in touch and also been talking about their challenges and their expectations, and also the main worrying concern about water not being available adequately in various districts of Maharashtra when he had won the elections and became the chief minister for the first time. He has comprehensively addressed it over the 5 years, and not just by going and talking about it, but showed that he could take a 360 degree approach on the matter. And today we know that several villages, several towns have benefited both in the name of drinking water, and the villages and the areas under cultivation have benefited by irrigation water supply. Yeh hai ABP News. Aapko rakhe aage.